हजारों साल पहले बुद्ध ने लोगों को सुख प्राप्त करने और दुख से बचने में मदद करने के लिए एक रूपरेखा की स्थापना की। बौद्धों के लिए काम जीवन का एक जैविक और महत्वपूर्ण हिस्सा है और एक व्यक्ति के उच्चतम मूल्यों की अभिव्यक्ति है। इस बुक को प्रश्नोत्तर चर्चा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जैसे कि छात्र किसी मास्टर शिक्षक से प्रश्न पूछ रहा हो। यह एक छोटी सी किताब है, लेकिन हल्की फुल्की नहीं। कभी कभी थोड़ा गुड़ हो जाने के बावजूद यह आपको सोचने के लिए बहुत कुछ देगी। 2500 वर्षों के विचार को 176 पेजेस में संघनित करने की कठिनाई पर विचार करें। 4 आर्य सत्य आध्यात्मिक लेकिन व्यवहारिक सिद्धांतों के आधार पर बौद्ध धर्म व्यक्तिगत ज्ञानोदय का मार्ग प्रदान करता है। कार्यालय में भी यह अस्तित्व के तीन निशान से निपटने के लिए एक व्यवहारिक तरीका प्रदान करता है, जो निराशा, परस्पर संबंध और अस्थिरता है। शांति का मार्ग साधारण जागरूकता या ध्यान से शुरू होता है। बौद्ध धर्म 4 महान सत्य को प्रस्तुत करता है कि जीवन दुखों से भरा हुआ है, कि मनुष्य पीड़ित है क्योंकि वे जो चाहते हैं उससे जुड़े हुए हैं, कि इच्छा को समाप्त करके दुख को समाप्त करना संभव है, और यह कि 8 गुना मार्ग शांति का मार्ग प्रदान करता है। आत्मज्ञान के इस मार्ग पर 8 चरण होते हैं: सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। बौद्ध धर्म सकारात्मक करने की शक्ति पर जोर देता है। कार्रवाई में शामिल हों और देखें कि यह आपके मूड को कैसे सुधारता है, कभी कभी तुरंत। बौद्ध धर्म सकारात्मक करने की शक्ति पर जोर देता है। कार्रवाई में शामिल हों और देखें कि यह आपके मूड को कैसे सुधारता है, और कभी कभी तुरंत। बुद्ध जागरक एक 2500 साल पहले रहते थे। वह एक राजकुमार था, फिर एक भिखारी और अंत में एक आध्यात्मिक नेता, जिसने संयम के मध्य मार्ग का पालन किया। उन्होंने यह सिखाया कि कोई भी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए माइंडफुलनेस का उपयोग कर सकता है, और यह कि सभी के पास अनिवार्य रूप से बुद्धि प्रकृति है। उस प्रकृति के भीतर सभी चीजों के साथ शांत और एकता की भावना है, एक शांति जिसे कोई भी सचेत होने का चयन करके प्राप्त कर सकता है। ऐसी शांति भ्रम और तनाव की स्थिति में आश्रय है। यदि आपके कर्मचारी सचेत हो सकते हैं, तो आप असीमित संभावनाओं वाला एक जागरूक संगठन बना सकते हैं। एक दिमागी कार्यकर्ता बनना। जब आप काम पर बुद्ध के पाठों को लागू करते हैं, तो आप निम्नलिखित क्षेत्रों में जागृति और विकास खोलते हैं: सावधानी पूर्वक काम चुनना, सकारात्मक विचारों को जबरदस्ती करने के बजाय खुशी पाने के लिए सकारात्मक परिणाम देने पर ध्यान केंद्रित करें। बुद्ध ने यहाँ और अभी में करने के माध्यम से सीखने पर जोर दिया, और यहीं पर बौद्ध धर्म की शक्तिशाली प्रथाएं केंद्रित हैं। जब आप काम करें, तो अपने कार्यों के प्रति सचेत रहें। बौद्ध मन को प्रशिक्षित करने के लिए ध्यान का अभ्यास करते हैं, क्योंकि एक प्रशिक्षित दिमाग बेहतर ध्यान केंद्रित कर सकता है और व्याकुलता को विरोध कर सकता है। इसलिए एक ऐसी गतिविधि करें जो आपकी दिमागी मांसपेशियों को निर्माण करे, चाहे वह ध्यान के माध्यम से हो या योग या शतरंज जैसा कोई खेल हो। व्यवहारिक ज्ञानोदय, शुरुआती दिमाग।
पूर्व धारणाओं से भरा हुआ नहीं है, इसलिए नौसिखिया सुनने और नई चीजें सीखने में विशेषज्ञ से बेहतर है। औसत टू डू लिस्ट की तह तक जाने के लिए किसी के पास समय नहीं है। बुद्धिमान लोग प्राथमिकताएं निर्धारित करते हैं। हालांकि जब आप वर्तमान क्षण का अधिकतम लाभ उठाते हैं तो समय प्रबंधन सबसे अच्छे काम करता है। अपनी प्राथमिकताएं निर्धारित करें, फिर उन्हें पूरा करने के लिए काम करें। समझें कि शिथिलता आंतरिक प्रतिरोध से आती है। आपको जो करने की जरूरत है उसे छोड़ना एक बुरी आदत बन सकती है जो आपके आसपास के अन्य लोग भी उठा सकते हैं। ऐसे में पूरी टीमें फंस जाती हैं। उस प्रतिरोध में देने के बजाय इसे स्वीकार करें। शायद एक संरक्षक के साथ इस पर चर्चा करें और फिर कार्य करें। कार्य जीवन की गुणवत्ता, यह पता लगाना कि आपको क्या करने की आवश्यकता है लेकिन फिर भी उसे ना करना, यह मानव स्वभाव है। आगे बढ़ने में आपकी सहायता करने के लिए सहायक मित्रों, टीचर्स और पेशेवरों की ओर मुड़ें। ध्यान आपको उन चालों को पहचानने में भी मदद करेगा जो आपका दिमाग खेलता है। जब आप कम महसूस करते हैं तो दूसरों को प्रोत्साहित करें। आप अपने भीतर करुणा और ऊर्जा पाकर खुद को आश्चर्यचकित कर देंगे। वह ऊर्जा जिसके बारे में आप नहीं जानते थे कि आपके पास है। सही भाषण बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग का यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि शब्दों में शक्ति होती है और विभाजनकारी असत्य क्रूर या बेकार भाषण से बचने के लिए कहते हैं। काम पर गपशप करना हर किसी के भरोसे की भावना को कमजोर करता है। उन लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं। वे आपको सदाचारी बनने रहने में मदद करेंगे। सफल होना, पैसा सभी बुराइयों की जड़ नहीं है। बौद्धों के लिए पैसा हर चीज की तरह शून्य से आता है। परम वास्तविकता इसी तरह महिमा और प्रशंसा खाली है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सफल नहीं होंगे या पदोन्नत नहीं होंगे। बुद्ध एक राजकुमार के रूप में पैदा हुए थे और उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ एक धर्म की स्थापना की। वे नेतृत्व से नहीं हटे। वास्तव में वह एक नेता बन गया क्योंकि उसे अपने काम की परवाह थी। उनका मानना था कि ईमानदारी वाला व्यक्ति ईमानदारी के साथ धन को संभालता है और उसका उपयोग अच्छे के लिए करता है। उन्होंने आगाह किया कि अत्यधिक धन गैर जिम्मेदारी और लालच को जन्म देता है। आपका काम आपका या किसी का नहीं है। यह उन परिस्थितियों के अनुसार उत्पन्न हुई जिनका आपके पास कोई लेना देना नहीं था और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो यह समाप्त हो जाता है। बुद्ध ने यह सलाह दी है कि अतीत की घटनाओं पर चिंतन ना करें या भविष्य के बारे में अत्यधिक सपने ना देखें। हाँ, आपको भविष्य के लिए योजना बनाने की आवश्यकता है, इसलिए अपनी फर्म की सेवानिवृत्ति कार्यक्रमों और आपके लिए उपलब्ध अन्य वित्तीय साधनों का लाभ उठाएं, फिर वर्तमान में वापस आएं और काम पर लग जाएं। माइंडफुल वर्क रिलेशनशिप की खेती। जब आप अन्य लोगों के साथ काम करते हैं तो सावधान रहें, स्वार्थी नहीं। अपने कर्मों से दूसरों को दो। कठिन काम करें, शिकायत ना करें। अपनी त्रुटियों को स्वीकार करें और भरोसेमंद और वफादार बने। बुद्ध के स्वर्णिम नियम के संस्करण का उपयोग करें। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे चाहते हैं। इन तरीकों और परिस्थितियों में दूसरों को प्रभावित करना, जैसे जैसे आप बुद्ध
के स्वभाव को विकसित करेंगे, आपका प्रभाव बढ़ता जाएगा। लोग अच्छे चरित्र पर भरोसा करते हैं और योग्यता का सम्मान करते हैं। दूसरों के लिए कुछ अतिरिक्त करना। जब कर्मचारी किसी ग्राहक या सहकर्मी के लिए कर्तव्य की पुकार से परे जाते हैं तो उन्हें देने की शक्ति प्राप्त होती है। छोटे छोटे तरीकों से भी देना वफादारी और विश्वास का निर्माण करता है। प्रशंसा के शब्द ईमानदारी से पेश किए जाने पर लोगों की सराहना को अनुभव कराते हैं। सच्चे और प्रामाणिक बनो, क्योंकि लोग अर्थहीन उपहारों के माध्यम से देखते हैं। दोहरे मानदंड। दूसरों को उनके व्यवहार के आधार पर कठोर रूप से आंकने से सावधान रहें और अपने इरादों के आधार पर खुद को आसानी से क्षमा करें। न्याय करने के बजाय दूसरों को संदेह का लाभ दें। विश्वास करें कि उनके भी इरादे नेक हैं। सुनने का महत्व। सही भाषण महत्वपूर्ण है, लेकिन आप सुनते हैं और सीखते हैं। अवांछित या नकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ भी शब्दों को सुनें और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इस तरह हर कोई आपका शिक्षक हो सकता है। एक सहकर्मी को पढ़ाना या प्रशिक्षण देना। जब आप पढ़ाते हैं तो अपने शिक्षार्थियों का कार्य करने के लिए आमंत्रित करें। एक अच्छा शिक्षक कार्य की ऊर्जा और दृष्टिकोण को मूर्त रूप से देखता है, नए शिक्षार्थियों का सम्मान करता है और लोगों की वर्तमान क्षमताओं से शुरुआत करता है। किसी की आलोचना करना। आप उदाहरण के द्वारा सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व करते हैं। आलोचना तभी करें जब आपका इरादा सिखाने का हो। मुश्किल लोगों से निपटना। दुनिया झटके से भरी हुई है और आपको अपने हिस्से से निपटना होगा। बुद्ध ने कहा है कि यह आपके जीवन में हर समय और पिछले जन्मों में भी का कर्म है कि आप दूसरों के लिए एक झटका रहे हैं। कठिन लोगों के साथ व्यवहार करने से आप धैर्य का अभ्यास कर सकते हैं, अपनी करुणा को गहरा कर सकते हैं और इस प्रक्रिया में अपने कर्म में सुधार सकते हैं। सहकर्मी जो झूठ बोलते हैं। विश्वास और स्पष्टता को बदलते। सहकर्मी जो झूठ बोलते हैं। विश्वास और स्पष्टता को बढ़ावा देने के लिए सच्चाई को पुरस्कृत करें और झूठ को हतोत्साहित करें। यदि आप अपने आप को एक ऐसे कपटी लोगों से घेर लेते हैं जो केवल वही कहते हैं जो वे सोचते हैं कि आप सुनना चाहते हैं, तो आप अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे। क्रोध। संघर्ष बहुत मानवीय है और कार्यस्थल में ऐसा कम नहीं है, लेकिन क्रोध से क्रोध को मिलाना उसे बढ़ा देता है और संघर्ष को जीवित रखता है। लंबे समय से क्रोधित या शिकायत करने वाले लोगों से बचें, क्योंकि नकारात्मकता पकड़ रही है। उन लोगों के साथ अधिक समय बिताएं जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, ताकि आप उनकी ईमानदारी और उत्साह को आत्मसम्मान कर सकें। एक टीम के साथी के साथ संघर्ष। संघर्ष के लिए किसी और को दोष देने के बजाय यह पता करें कि आपने इसमें कैसा योगदान दिया होगा। यदि आप समस्याओं के आने पर खुद को देखते हैं तो आप समाधान के लिए खुद को भी देख सकते हैं। ग्राहक। उन्हें प्यार करें या उन्हें खो दें। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक संगठन दूसरों की सेवा करने के लिए मौजूद है। ग्राहक सेवा कर्मचारी संगठन की सबसे पुण्य भूमिका निभाते हैं। वे शुद्धतम प्रकार के सही आजीविका को प्रदर्शन करते हैं। एक आदर्श दुनिया में हर कोई दूसरों की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित करेगा तो ग्राहक सेवा
अक्सर इतनी खराब क्यों होती है? अधिकांश लोग अज्ञान, लालच और घृणा के तीन जहर से पीड़ित हैं। वे दूसरों से अलग थलग महसूस करते हैं और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए प्रेरित होते हैं। स्वाभाविक रूप से व्यवसाय उसी तरह कार्य कर सकते हैं। ये घटिया गुणवत्ता, खराब ग्राहक सेवा और एकमुश्त धोखे का कारण होगा। सुरक्षा की तलाश मत करें, अवसर की तलाश करें। सुरक्षा और सुरक्षा केवल भ्रम है। आप और आपके कर्मचारी सभी चीजों के परस्पर संबंध को पहचानकर निम्न गुणवत्ता वाली मानसिकता को दूर कर सकते हैं। ग्राहक कंपनी है। जब ग्राहक नाराज हो तो गुस्से को पार करें और समस्या और उसके समाधान पर ध्यान दें। आपके ग्राहक की समस्या आपकी मदद करने का अवसर है। ध्यान से सुने, सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करें। चर्चा करें कि आप क्या कर सकते हैं, न कि जो आप नहीं कर सकते। अपनी प्रगति का संचार करें और देखें कि क्या आप अपने ग्राहक को भविष्य में समस्या में बचने के लिए व्यवहारिक तरीके से सिखा सकते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि हम वास्तव में केवल अपने रिश्तों में मौजूद हैं। यही कारण है कि उनकी शक्ति इतनी महान है। जनसंपर्क अपनी कंपनी को सही भाषण देने का मौका देता है। सच बोलो चाहे कुछ भी हो। अपने रिश्तों को बनाए रखने और सही इरादों और सही कार्रवाई को शिक्षा देने के लिए ईमानदारी होने से आपके साथियों और ग्राहकों का सम्मान बढ़ेगा और बना रहेगा। एक दिमागी कार्यस्थल बनाना। बौद्ध मार्ग नौकर नेतृत्व है। इसे प्रबंधन सिद्धांत बनने से 2500 साल पहले निर्धारित किया गया था। लोग अच्छे नेताओं का उनके संयम, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए सम्मान करते हैं। यदि आप एक महान नियोक्ता हैं तो सबसे अच्छे लोग आपके लिए अच्छे और बुरे समय में काम करना चाहेंगे। खासकर यदि आप लोगों के साथ व्यक्तियों के रूप में व्यवहार करते हैं, ना कि आपका व्यवसाय में बदलने योग्य भागों के रूप में महान नियोक्ता कर्मचारियों का प्रबंध करते हैं जो उनकी प्रतिभा और प्रशिक्षण को अनुकूल होते हैं, और जो कुछ भी चुनौती पेश करते हैं वे अपने कर्मचारियों की देखभाल करते हैं और उनकी भलाई के बारे में चिंतित होते हैं। उत्पादकता और स्वास्थ्य सीधे संबंधित हैं। आपको कर्मचारियों की अच्छी तरह से भुगतान करना होगा और उनकी देखभाल करनी चाहिए। यदि आप उम्मीद करते हैं कि वे आपकी और कम की देखभाल करेंगे, अच्छे कर्मचारी बदले में हाथ में काम की देखभाल करते हैं। यदि आपके पास एक सख्त या आलोचनात्मक बॉस है तो उसकी मांगों में मूल्य खोजें। कुछ लोग ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वे सब कुछ जानते हैं, लेकिन वे खुद को धोखा दे रहे हैं। शुरुआत करने वाले दिमाग का अभ्यास करना और नई शिक्षा के लिए खुला होना बहुत जरूरी है। उस मूर्ख की तुलना में जो यह नहीं जानता कि वह मूर्ख है। सत्ता संघर्ष के दौरान तटस्थ रहें और गोलीबारी में पड़ने से बचें। उत्पादकता के लिए शांति सही माहौल है। संघर्ष टिकाऊ नहीं है। बुद्ध का व्यवसाय पर्यावरणीय संसाधनों का एक अच्छा भंडारी होगा। यह मानते हुए कि नेतृत्व का सर्वोच्च रूप है, बौद्ध धर्म के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप पैसा कमाना छोड़ दें या गरीबी में रहें। यह आपकी आजीविका का पीछा करते हुए जीने के लिए एक कोड प्रदान करता है। एक कंपनी के रूप में बीच में चलने के लिए मुनाफे से परे अपनी सफलता को
मापने के लिए एक व्यापक तरीका तैयार करें। शायद ग्राहकों की संतुष्टि या नए नए उत्पादों या सेवाओं की सफलता को ट्रैक करके आपकी फर्म तभी आगे बढ़ सकती है जब आपके भीतर के लोग लगातार सीखते रहें। शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों को लागू करें, जैसे कि ट्यूशन, प्रतिपूर्ति, सेमिनार और सलाह। कर्मचारियों को एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। ज्ञान उन्हीं को मिलता है जो आगे बढ़ते रहते हैं। कर्मचारियों की देखभाल और भोजन। प्रत्येक व्यक्ति और समूह अद्वितीय है और एक विलक्षण दृष्टिकोण से सत्य को देखता है। लोगों को अपने रास्ते खुद खोजने चाहिए, अपनी सोच खुद करनी चाहिए और अपनी प्रतिभा और कौशल को तेज करने और जागरूक होने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अपने कार्यबल को प्रेरित करना जरूरी नहीं है कि पैसे का मामला हो। लोग शुरू में वृद्धि और बोनस की सराहना करते हैं, लेकिन जैसे ही वे अपने खर्च करने की आदतों को समायोजित करते हैं, वे ये भूल जाते हैं कि कुछ लक्ष्य पैसे की तुलना में अधिक प्रेरक होते हैं। विशेष रूप से अच्छी तरह से किए गए काम के लिए मान्यता और एक बड़े उद्देश्य को पूरा करने वाले उत्तेजक कार्य। यदि आप चाहते हैं कि कर्मचारी जिम्मेदार हो और आम अच्छे के लिए काम करें, तो जवाबदेही और लाभकारी व्यवहार को पुरस्कृत करें। अपने विचारों और विश्वासों को बुद्धिमानी से चुनें। उनके साथ आप सचमुच अपना भविष्य खुद बना रहे हैं। परिवार विविधता को अपनाने के लिए एक अच्छा मॉडल प्रदान करते हैं। बच्चों की अलग अलग जरूरतें होती हैं और अच्छे माता पिता अलग अलग तरीकों से उनका पालन पोषण करते हैं। जो वे प्रत्येक बच्चे को देते हैं, उसे तौलते और संतुलित करते हैं ताकि परिवार निष्पक्ष रहे। जिस तरह एक परिवार में एक संगठन के लिए नियम होने चाहिए, लेकिन वह लचीला भी होना चाहिए। समय समय पर मापदंडों पर फिर से बातचीत करें और बदलने के लिए तैयार रहें। आपका बुद्ध स्वभाव लिंगवाद, जातिवाद और अन्य सभी पूर्वाग्रहों से मुक्त है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरों का बुद्ध स्वभाव है। प्रत्येक व्यक्ति का प्रयोग करना चाहिए, गलतियां करनी चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, विकल्पों का पता लगाना चाहिए और ध्यानपूर्वक काम करने के मार्ग पर अपना रास्ता खोजना चाहिए। यदि आप किसी ऐसे कर्मचारी को बर्खास्त करना चाहते हैं जिसके नकारात्मक कार्यों से संगठन को नुकसान पहुंचता है, तो इसे यथासंभव करुणा और समझदारी के साथ करें। नकारात्मक कार्यों के परिणाम होते हैं और आप दृढ़ कार्रवाई करने से अपने संगठन और कर्मचारी की सेवा करते हैं। दयालु होने के लिए अपने कर्मचारियों को बुरे व्यवहार को सुधारने और सफल होने का हर अवसर दें। संगठनात्मक परिवर्तन। परिवर्तन ही स्थिर है। लोग और कंपनियां ठोस आधार पर रहना चाहते हैं, लेकिन यह एक भ्रम है। परिवर्तन पर क्रोधित होना नदी की धारा को कोसने के समान व्यर्थ है, क्योंकि यह उस तरह से नहीं बह रही है जैसा आप चाहते हैं। निर्धारित करें कि आप एक नई कंपनी, नई नौकरी या नई परिस्थितियों के साथ कैसे फिट होते हैं। फिर बुनियादी बातों पर उतरें और अपना काम करना स्टार्ट करें। इस बुक से याद रखने लायक विचार। बुद्ध 2500 साल पहले जीवित थे। उन्होंने सिखाया कि कोई भी बुद्ध बन सकता है। बौद्ध धर्म में चार महान सत्य हैं। पहला यह है कि जीवन दुखों से भरा है। दूसरा कहता है
कि लोग अपनी इच्छाओं और आसक्तियों के कारण पीड़ित होते हैं। तीसरा महान सत्य सिखाता है कि आप इच्छा को समाप्त कर सकते हैं और इस प्रकार दुख को समाप्त कर सकते हैं। चौथा अष्टांग मार्ग प्रदान करता है सही दृष्टिकोण, सही इरादा, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही दिमागीपन और सही एकाग्रता। अष्टांगिक मार्ग पर चलने के लिए मनन आवश्यक पूर्व शर्त है। नियोजन का अपना स्थान है, लेकिन सुख और सही कर्म दोनों ही वर्तमान पर ध्यान देने से आते हैं। सही आजीविका की शुरुआत बिना किसी नुकसान के और काम पर ध्यान केंद्रित करने से होती है। सही भाषण का अभ्यास करने के लिए अपने संचार में ईमानदारी से ईमानदार रहें, दूसरों को विभाजित करने की कोशिश ना करें और गपशप ना करें। जैसे महान नेता नौकर नेता होते हैं, वैसे ही महान संगठन दूसरों की सेवा करने के लिए मौजूद होते हैं। जब संघर्ष उत्पन्न होता है तो तटस्थ रहने का प्रयास करें और शांति दूत के रूप में कार्य करें। धन्यवाद।